Hi Sagittarius and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing Sagittarius? Sagittarius up to 50% off मैं दे रही हूँ personal reading में up 6 जून तक. Description box check कर लो अगर personal reading करानी है तो. और ये video दो part में divided है, general reading and love life reading. Let's check. And thank you so much जिसने भी मेरा channel subscribe किया, really means a lot Sagittarius. Let's check Oracle से क्या मैसेज. ये ना बहुत पावरफुल डेक है Sagittarius, बहुत प्यारी डेक है. इट हैज़ रियली गुड एनर्जीज. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. अगर जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं उनको Oracle डेक चाहिए तो ये डेक, तो दिस डेक इज़ रियली गुड. इट्स द एनर्जी Oracle डेक. ये बहुत अच्छी डेक है. मतलब इसके अलावा अगर आपके पास ये, आपको और कोई डेक की ज़रूरत नहीं है. मैं क्यों बोल रही हूँ, ये एक वीडियो मैं स्पेशली बनाऊँगी कि कौन सी डेक मुझे पसंद आई और कौन सी मुझे उतनी पसंद नहीं है. लेट्स चेक एंजल साइरेंस एंसेस्टर्स. सिक्स्थ चक्र आर्क एंजल मेटाट्रॉन. मेटाट्रॉन या मेगाट्रॉन, टाटा टाटा. ओके सैजिटेरियस. ओके सिक्स्थ चक्र इज योर थर्ड आई चक्र सैजिटेरियस. तो थर्ड आई चक्र का मतलब ये होता है सैजिटेरियस कि आपका इंट्यूशन लेवल बहुत बढ़ने वाला है सैजिटेरियस इस मंथ. इंट्यूशन मतलब कि अगर जो अंदर से आपकी जो आवाज़ होती है कि आपकी आवाज़ क्या बोल रही है, वो बढ़ने वाली है दिस मंथ. तो एक इंट्यूशन लेवल, एक साइकिक लेवल सैजिटेरियस आपका स्टार्ट होने वाला है. एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट सैजिटेरियस यू विल एनालाइज सिचुएशन. आपकी एक अंदर से जो आवाज़ है ना, जो शक्तियाँ हैं, वो बहुत बढ़ेंगी. थर्ड आई आपकी ओपन होगी सैजिटेरियस दिस मंथ. लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है. एंजल साइरेंस एंसेस्टर्स. जनरल लाइफ, जनरल रीडिंग फॉर सैजिटेरियस, जनरल मैसेज फॉर सैजिटेरियस इन जून. सॉरी मैम, सॉरी सैजिटेरियस, रुको. Tower Sagittarius, King of Pentacles, Seven of Wands. Okay Sagittarius, yes your third eye will open because in past में आपने इतना कुछ face किया है and because of that your third eye is opening. The Tower Sagittarius signify करता है कि some things might not work in your favor this month, so don't lose hope. Okay, King of Pentacles suggest करता कि अगर आपके father हैं Sagittarius, वो बहुत खुश रहने वाले हैं आपके फादर आपसे. एंड किंग ऑफ पेंटिकल सजेस्ट करता है कि मनी मैटर्स विल रियली ग्रो दिस मंथ Sagittarius. आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बढ़ेगा जून मंथ में. सेवन ऑफ वंड सजेस्ट कर सकता अननेसेसरी फाइट्स इन फैमिली, अननेसेसरी ड्रामा इन योर लाइफ. तो उसको अवॉइड करो Sagittarius, जितना अवॉइड कर सकते हो ना उतना आपको ही फ़ायदा मिलेगा. एंड जिनका लकी नंबर 4 है उनके लिए जून मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है. उनका थर्ड आई ओपन होगा. द टावर सिग्निफाई करता है सम थिंग्स माइट हैपन येस विथ सेवन ऑफ वॉन्ट्स. तो उसको अवॉइड करो. फालतू लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं Sagittarius इस मंथ, तो अवॉइड करो. अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बढ़ेगा. आप लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे. और देखिए यहाँ पे एक डॉगी है तो आपको एनिमल्स बहुत प्यार करेंगे. येस यू विल बी अट्रैक्टेड टू एनिमल्स. और जितना मुझे लग रहा है कि आपको एनिमल्स को, डॉग्स को, बर्ड्स को फीड करना चाहिए, उनको दाना डालना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए. उससे आपका आपका अगर आपकी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते, वो आपको कम होंगे. बिकॉज देयर इज अ डॉग ओवर हियर, आई एम गेटिंग दैट दिस मैसेज दैट यू नीड टू फीड एनिमल्स. कोई भी एनिमल हो, कोई भी जानवर हो, मतलब रैट और कॉकरोच के अलावा, चाहे गाय हो, भैंस हो, बर्ड हो, डॉगी हो, कैट्स हो, एनी एनिमल्स, क्योंकि दुनिया के सारे एनिमल्स बहुत प्यारे होते हैं Sagittarius. सो ट्राई डूइंग समथिंग फॉर एनिमल्स, इट विल रियली हेल्प यू. प्लस अननेसेसरी ड्रामा हो सकता है तो थोड़ा काम डाउन करने की ज़रूरत है. डोंट गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी ड्रामा. फालतू लोगों के ड्रामे में पड़ने की ज़रूरत नहीं. मुझे लग रहा है आउटर सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हो. सो अवॉइड दैट दिस मंथ. अदरवाइज दिस मंथ विल गो रियली वेल. योर थर्ड आई विल ओपन एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस विल गेट इम्प्रूव्ड. लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग. हाय Sagittarius एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो.
एक सेकंड में पानी पी लूँ सैजिटेरियस, इट्स वेरी हॉट। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ आप अपने माइंड में लव लाइफ, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो, एंड आई होप उस क्वेश्चन का जवाब इन डेडिकेटेड मैसेजेस में आपको मिल जाए। लेट्स चेक आंसर्स फॉर सैजिटेरियस क्वेश्चन, आंसर फॉर सैजिटेरियस क्वेश्चन, आंसर फॉर सैजिटेरियस क्वेश्चन, आंसर फॉर सैजिटेरियस क्वेश्चन वन। ओके, बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that supports and challenges. Yes, देखिए मैंने आपको अपने general reading में भी बोला था कि देखिए लड़ाई झगड़े होने के chances हैं, तो yes, तो मुझे लग रहा है अगर आपके कोई opinions हैं आपके partner को लेके, तो opinions को एक रखने का जो तरीका होता है वो आपको बहुत अच्छे से अपनाना चाहिए। समथिंग लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपको कुछ उनकी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उन आदतों को आप समझाओ अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में बोलो, रादर देन उनको नेगेटिव वे में बोलना। फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर वेरी, दे हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट एंड दैट इज़ अफेक्टिंग देयर हेल्थ, कि अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या आप ट्रैक पर जा रहे हो तो उनकी सांसें फूल रही हैं, दे आर नॉट एबल टू डू घर के काम नहीं कर पा रहे, वो उनकी हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा है, तो आप उन्हें एक अच्छे पॉजिटिव वे में समझाओ कि डोंट डू दिस, दिस इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, एंड गिविंग यू द लेमेस्ट एग्जाम्पल। तो अपने ओपिनियंस को ना अपने पार्टनर के लिए अच्छे वे में रखो, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखो, रादर देन सेइंग इट इन अ वेरी नेगेटिव वे। सैजिटेरियस, आई होप यू गेट माय पॉइंट। लेट्स चेक ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आता है। सैजिटेरियस, लव लाइफ फॉर सैजिटेरियस इन जून, एंजल एंसेस्टर्स। वैसे इस डेक की जरूरत नहीं है बट स्टिल इट लुक्स गुड, तो कर लेते हैं। बट काफी क्लैरिटी मिल जाती है इस टेक्स्ट से, सो इट्स नाइस। ओके, टेक अ ब्रेक। मिरर सेल्फ सैजिटेरियस। ओके, केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री बहुत बढ़ेगी आपकी दिस मंथ, आई कैन फील। एंड टेक अ ब्रेक का मैसेज आया है। आप, मुझे लग रहा है आप लोग काफी ओवरबर्डेंड हो रहे हो अपनी लव लाइफ में, तो थोड़ा चिल पिल रहो, चिल रहने की जरूरत है सैजिटेरियस। एंड ओवरऑल जून मंथ सारी ज़ोडियाक साइन की रीडिंग की, आप लोग को बस जून में बस आराम आराम से रहना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना। इट वॉज फॉर आई थिंक फॉर एरियज ऑफ फॉर वन ज़ोडियाक साइन द मैसेज वॉज क्लियर दैट यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल्स, बट बाकी सारे 10 ज़ोडियाक साइन का यही एक मैसेज था कि आपको इस सैटर्न रेट्रोग्रेड जो 4th of June के बाद से स्टार्ट हो रहा है, बहुत आराम आराम से चीज़ें करनी है, रश नहीं करना, बिकॉज दैट विल रियली इफेक्ट यू। मिरर सेल्फ सैजिटेरियस। अगर आप अपने पार्टनर को ज्ञान दे रहे हो, देखिए मुझे तो ये ज्ञान दे रहा, तो आप अपने आप को भी देखो सैजिटेरियस। इफ यू आर गिविंग देम मेकिंग कॉमेंट्स ऑन देयर बॉडी या उन्होंने वेट गेन कर लिया, तो आप अपने आप पे भी देखो। मिरर सेल्फ का मतलब ये होता है कि आपको अपनी कमियों पे वर्क करने की बहुत ज़रूरत है इन योर रिलेशनशिप फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत एग्रेसिव हो अपने पार्टनर के साथ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, सो ट्राई टू बी लेस एग्रेसिव दिस मंथ इन योर लव लाइफ फ्रेंड। एंड केमिस्ट्री बहुत बढ़ने वाली है आप लोग का, मतलब आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग बहुत बढ़ेगी दिस मंथ। लेट्स चेक टैरो से क्या मैसेज आता है। मिरर सेल्फ, यस, मिरर सेल्फ करने की बहुत ज़रूरत है सैजिटेरियस। एंड अगर आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है सैजिटेरियस, तो आप मिरर सेल्फ करोगे, आप अपने अंदर की कमियों को पहचानोगे और फिर उस पर वर्क ऑन करोगे जून मंथ से। दैट इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ सैजिटेरियस, दैट इज़ फॉर श्योर, आई कैन सी दैट। Let's check angels, hirings, ancestors. The high priestess C. Oh my God! Now I'll say my lamest dialogue, Sagittarius. थोड़ी देर में रुक जाओ. Hierophant. Wow. The devil. Okay. Three of cups. Okay. Sagittarius. मैं क्या बोलती हूँ, जो इन उन लोगों को ये वीडियो दिखाओ जो कहते हैं कि टैरो में शक्तियाँ नहीं होती है। थर्ड आई इंट्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस हाई प्रीस्टेस इज अ मेजर अरकाना कार्ड। आपकी रीडिंग में 3 मेजर अरकाना आए हैं, ये सबसे पावरफुल रीडिंग होने वाली है सैजिटेरियस।
हाई प्रीसेस, यू लव योर पार्टनर एंड आपके अंदर शक्तियां आ रही हैं जून मंथ से सजिटेरियस. आप लोग हाई प्रीसेस, यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन. एंड मैं ये बता रही हूँ ना कि आप कमियां क्यों गिना रहे हो, क्योंकि आप आपके अंदर थर्ड आई ओपन हो रहा है. थर्ड आई का मतलब लिटरल थर्ड आई नहीं, आप कुछ चीज़ें ऐसे देख पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो अपने पार्टनर की, दैट नोबडी एल्स कैन सी. सजिटेरियस मतलब दूसरों को वो इंसान आपका पार्टनर बहुत अच्छा लगे वो, पर आपको, आप उनके साथ हो बट यू आर एबल टू सी थिंग्स विद इन द लेयर्स बिकॉज योर इंट्यूटिव स्किल्स आर इंक्रीजिंग. सजिटेरियस एंड यू आर बिकमिंग अ वंडरफुल पर्सन. जो जो सजिटेरियस ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग एक बहुत बेहतर इंसान बन रहे हो डे बाय डे. अगर आप 10 साल के, अगर आप 18 साल के बच्चे हो या 30 साल की आप औरत हो, आदमी हो, या कोई 60 साल का आदमी औरत ये देख रहा है, आप लोग अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हो सजिटेरियस. इट्स वन ऑफ, इट इज़ लाइक, इट इज़ ब्यूटिफुल एनर्जी सजिटेरियस. यू आर सीइंग योरसेल्फ एज वेल. आप अपनी कमियों के अंदर, अपनी कमियों को भी बेटर कर रहे हो. देखो हर इंसान, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट दैट डजेंट मीन कि आप अपने सेल्फ पे काम ना करो सजिटेरियस. चलो फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर आई स्टिल फील दैट आई हैव लिटिल कम्युनिकेशन इश्यूज, बट माई कम्युनिकेशन स्किल्स आर गुड माई फ्रेंड से, बट स्टिल इफ आई डोंट वर्क ऑन इट, इफ अगर मैं उसमें काम ना करूँ, मैं प्रैक्टिस ना करूँ, तो दैट विल बी रॉन्ग, राइट? तो वही चीज़ आप कर रहे हो, आप अपनी अपना भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपका पार्टनर भी साथ साथ इम्प्रूव हो. यू लव दैम, नो डाउट इन दैट. ग्रेट सजिटेरियस. नाइन ऑफ वॉन्ट्स, मुझे जितना लग रहा है टेक अ ब्रेक का भी कार्ड है. तो अगर लड़ाई झगड़े होंगे इस मंथ, तो अवॉइड करना सजिटेरियस, बिकॉज यू गाइज विल मैरी ईच अदर. हायरोफेंट का कार्ड है. आप दोनों बहुत रिलीजियस पर्सन हो, या अगर आप लोग रिलीजियस नहीं हो तो यू विल गो टू द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नॉट स्पिरिचुअलिटी, टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ रिलीजन, एंड देन द रिलीजियस पाथ विल लीड यू टू स्पिरिचुअलिटी. आप लोग केप्रिकॉर्न से डील कर सकते हो, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं, एंड टॉरस एंड केप्रिकॉर्न. एनीवे, एडवाइस इज द डेविल सजिटेरियस. सजिटेरियस, अगर आप या आपका पार्टनर इंटॉक्सिकेशन करता है या कुछ कर ऐसी चीज़ें करता है, तो उससे अब दूर हटने का समय आ गया है. एंड द डेविल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स की अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस मैसेज टेक अ ब्रेक केम. तो जो ये डेक है ना, दिस डेक इज क्वाइट पावरफुल, इट्स अ रिलेशनशिप डेक. तो ये द डेविल विथ टेक अ ब्रेक, ओके, बिकॉज द कार्ड्स गेट इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर. मुझे जितना लग रहा है सजिटेरियस, कि आप इतना ज़्यादा, आप दोनों एक दूसरे के पास इतना समय बिता देते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट योर लाइफ इज गेटिंग अफेक्टेड. या शायद आप लोग रात रात भर बात करते होगे, खूब ओवरली अटैचमेंट की एनर्जीज आ रही हैं सजिटेरियस बहुत ज़्यादा. एंड अगर जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना, तो फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं. सो दैट इज़ वाई दिस मैसेज केम, टेक अ ब्रेक का मैसेज आया है. टेक अ ब्रेक विद दिस, मिरर सेल्फ का दिस, एंड केमिस्ट्री का दिस एंड दिस. तो आई विल सजेस्ट यू, एक स्पेस बनाने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में सजिटेरियस. इट्स टाइम नाउ, एंड यू विल डू दैट बिकॉज आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है. विथ थ्री ऑफ कप्स, ओके, मुझे लग रहा है आप लोग शायद एक ट्रिप पे जा सकते हो. आप लोग एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हो, फॉर मेनी ऑफ यू पार्टी कर सकते हो. आप लोग फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हो. मुझे लग रहा है आप लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिक करने वाले हो, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डालने वाले हो. ऑल इज़ वेल, मुझे थर्ड पार्टी की सिचुएशन कहीं नहीं दिख रही. वेल, दिस इज़ अ थर्ड पार्टी कार्ड, इट इज़ लाइक एन अफेयर वाला कार्ड, बट मुझे वैसी एनर्जीज नहीं आ रही है. सो या योर रिलेशनशिप विल गो रियली वेल. अटैचमेंट इशूज हैं तो टेक अ ब्रेक, गिव ईच अदर अ स्पेस, एंड योर एनर्जीज आर गोइंग टेरिफिक, वेरी गुड, एंड देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल मैरी योर पार्टनर. हायरोफेंट का कार्ड है, आप लोग बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो. लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना, जितना हो सके उतना अवॉइड करना, अदरवाइज योर रिलेशनशिप इन जून मंथ विल गो रियली वेल. आई होप यू लाइक माई रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.